ओके देन प्रीवियस प्रोजेक्ट अगर चाहिए तो डायरेक्टली ओपन पे क्लिक करने से तो इस तरफ आएगा डॉट सीपीपी सेक्शन फाइल। ओके देखो अगर ये चेंज हो जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, इस तरह रहना है, इस तरह रहना है। इसमें जेके, सो जेके का कुछ है क्या, तो जेके जेके में ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो सेम टू सेम एज यूजुअल एश इंक्लूड टू डायरेक्ट, इसका मतलब क्या है पता है, एसटीडी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एडर फाइल, इसका यूज क्या है पता है, इनपुट लेने के लिए देन आउटपुट प्रिंट करने के लिए, है ना। एंड ये वाला क्या है एंड फोलियो डॉट कंसोल इनपुट आउटपुट एडर फाइल, दैट मींस दिस फंक्शन यूज फॉर सेलर एसएलआर एंड गेट सेल्स फंक्शन के लिए ये वाला यूज होगा। एंड ऊपर वाला क्या है प्रिंट एफ फंक्शन एंड स्कैन एफ फंक्शन के लिए, इन दोनों में अगर कुछ एरर होगा तो इसका इससे एरर क्या क्या एड होगा, प्रिंट एफ भी रॉन्ग हो जाएगा, स्कैन एफ भी रॉन्ग हो जाएगा, नीचे में कुछ गलती होगा तो ये भी रॉन्ग होगा एंड सीएलआर एसएलआर रॉन्ग होगा एंड गेट सेल्स भी रॉन्ग होगा। रिमेनिंग जहां जहां मिस्टेक होगा आपको पता चल जाएगा, तो सेमीकोलन इन केस आप सेमीकोलन अगर रिमूव कर दिए तो डोंट वरी, तो आपको वहां पे पता चलेगा ऑल्ट एफ नाइन, सो ऑल्ट एफ नाइन कंपाइल लिखो ऑल्ट एफ नाइन, देखो फोर एरर्स आ रहा है, इसमें फोर एरर्स क्या है मुझे भी पता नहीं, एक्चुअली इंक्लूड में रॉन्ग है एन सी एल यू डी ए है ना, तो उसमें रॉन्ग है, देन इसके बाद प्रिंट एफ, इसका वजह से प्रिंट एफ रॉन्ग हो गया एंड स्कैन एफ रॉन्ग हो गया एंड स्टेटमेंट मिसिंग, स्टेटमेंट मिसिंग का मतलब सेमीकोलन जहां पे मिस हो जाएगा तो इस तरह स्टेटमेंट मिसिंग, देखो जो भी मिस हो गया वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और फोर एरर्स, फोर एरर्स हम कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्लियर करो, ओके इंक्लूड डी एन सी एल यू डी ए तो ठीक है, और एक बार चेक करेंगे तो ऑल्ट एफ नाइन, तो ऑलमोस्ट थ्री एरर्स का क्लियर, ऑलमोस्ट थ्री एरर्स, ओनली स्टेटमेंट मिसिंग का एक्स्ट्रा शो होता है। तो स्टेटमेंट मिसिंग एंटर प्रेस करो, एंटर प्रेस करने देखो इसका ऊपर भी हो सकते हैं, इसका नीचे भी हो सकते हैं एंड ए लाइन भी हो सकते हैं, आप लोग जहां पे एरर शो कर रहा है वो लाइन पे नहीं है, इसका ऊपर लाना देखना पड़ेगा, दैट मींस यहां पे सेमीकोलन स्टेटमेंट का मतलब कौन है। ओके ओके इस तरफ एरर किधर है आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, एरर कर इन केस यहां पे मैंने डबल क्वेश्चन देना भूल गई तो इस तरह एरर कैसे आएगा, एक बार चेक करेंगे, सॉरी ऑल्ट एफ9, ऑल्ट एफ9 तो टू एरर्स बोलकर मुझे डिस्प्ले हो रहा है, देखो इस तरह आएगा। ओके फंक्शन कॉल मिसिंग यहाँ पे एंड इस तरह डिस्प्ले हो रहा है, मतलब डबल कोटेशन से अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग। ओके स्ट्रिंग प्रॉपरली आप क्लोज नहीं करेगा तो मतलब इसको मैं बताया ना, इसको स्ट्रिंग कहते हैं बोलकर बताया ना, स्ट्रिंग प्रॉपरली क्लोज नहीं करेगा तो उस तरह का है, घबरा मत हो ना। सो धीरे धीरे देख लीजिए वो लाइन जहाँ एरर आ रहा है, इसका ऊपर भी हो सकते हैं, इसका नीचे भी हो सकते हैं, उसमें भी हो सकते हैं, क्या है तो ओवरऑल तो बिल्कुल नो एरर। ओके तो एक बार चेक करेंगे, तो ये पहले डिसाइड नहीं करना है, प्रोग्राम लिखने के बाद ये डिसाइड करना पड़ेगा। ओके तो ईसी मतलब ईसी यहाँ जो यूज किया है वो यहाँ पे लाना पड़ेगा, एम्प्लॉय कोड एनडब्ल्यूडी नंबर ऑफ वर्किंग डेज आरपीडी रेट पर डे, सो बेसिक सैलरी, बेसिक बेसिक बोलकर जहां मैंने यूज किए थे सारे प्लेसेस में बेसिक बेसिक बोलकर यूज किए, इनकेस बी एस बोलकर देने से सारे प्लेसेस में बी एस बोलकर देना, वेरिएबल सारे प्लेसेस में एक ही जैसे होना चाहिए, मैक्सिमम उसमें मिस्टेक्स नहीं रहते, किताब में मिस्टेक होगा तो करेक्ट कीजिए, क्लियर। ओके मिस्टेक मतलब इसमें क्या है, इसमें मेन रूल्स क्या है, सो लोअर केस में लिखना पड़ेगा फर्स्ट रूल, सेकंड रूल क्या है सेमीकोलन से एंड करना पड़ेगा, वही तो सेकंड रूल, थर्ड रूल क्या है वर्ड में तो मस्ट मस्ट रहना पड़ेगा एंड वर्ड में देने के बाद ओपन ब्रैकेट मैंडेटरी एंड जैसे भी लास्ट में क्लोज ब्रैकेट रहेगा वो भी मैंडेटरी, बस उतना ही रहेगा। रिमेनिंग प्रिंट स्कैन, प्रिंट स्कैन, प्रिंट स्कैन वही तो रहेगा, ओके बिना देख के आप देख कर सकते हैं, और प्री प्रोजेक्ट आप करेगा तो आपको माइंड में हो जाना है, ठीक है। देन सो देखिए ये वाला मैंने हेडिंग दिया है, सो बेसिक एच आर ए मतलब नंबर में क्या क्या जा रहा है, न्यूमेरिकल वेरिएबल्स एच आर ए टी ए ग्रॉस पी एफ ई एस ए डिडक्शन नेट, सो कैरेक्टर एम्प्लॉय नेम, इसीलिए कैरेक्टर में रखना पड़ेगा, एक तो नंबर्स जो है वो इंटीजर, सेलर है सेलर, हेडिंग हेडिंग हेडिंग, सो ऑलमोस्ट यहाँ तक डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा,
स्कैन ऑफ जहां यूज किया है वहां पे कर्सर आपको वेट करेगा, कुछ डाटा इनपुट करने के लिए वो पूछता रहेगा, तो एम्प्लॉय कोड देना पड़ेगा, कोड देने डी, एम्प्लॉय कोड के लिए डी ना, तो नेम देना है एस को देना पड़ेगा, नंबर ऑफ वर्किंग डेज डी देना पड़ेगा, रेट पर डे डी देना है बस। सो इनपुट मेथड ओनली फोर, आप क्या देना पड़ेगा, कोड देना है, नेम देना है, कितना दिन काम किया है वो देना पड़ेगा, पर डे को कितना मिल रहा है वो देना पड़ेगा बस, रिमेनिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसमें और एक प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स इनसेट की अगर ऑफ होगा तो देखो इस तरफ आएगा। ओके यहाँ पे अब कुछ मैंने ई दिया है, ई क्या फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ई देना भूल गए, तो मैं ई देने से सो एम हट जा रहा है, सो एम देने से सो एल तो इस तरफ होगा, इस तरह एक बॉक्स जैसा आ रहा है, मतलब अब इनसेट की ऑन करो सो कर्जर आपको ओरिजेंटली आना है, देखो ओरिजेंटली ऐसे आना पड़ेगा, ऐसे आएगा तो आपको डायरेक्टली P प्रिंट होगा, देन उसका साइड हो जाएगा, क्लियर तो ओके इस तरफ इनसेट की ऑफ रहे इस तरफ तो एरर, ओके इस तरह आ रहा है मतलब अब तुरंत करेक्ट कीजिए, उसको इनसेट की ऑन करो देन ओरिजेंटली आपको डिस्प्ले होगा, क्लियर ना ओके द नेक्स्ट एंड ठीक है। इसके बाद में बेसिक सैलरी फॉर्मूला दिया है, एन डब्ल्यू डी इंटू आरपीडी, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इंटू एंड रेट पर डे, एंड एक्सेल में किया ना सेम टू सेम, वहां पे आप लोग डायरेक्टली क्लिक करते थे, इसमें क्या है लिखना पड़ेगा सिंपल, अकड़े इधर आए कोड दो इकड़े इधर आया ओके, इकड़े इधर पिक्चर इन टेबल होगा था, यहाँ पे क्लिक करने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कौन सा वाले लिखना पड़ेगा, वेरिएबल जैसे डिक्लेयर किया है वो वेरिएबल से यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला इनपुट करना है एन डब्ल्यू डी इंटू आरपीडी, सो दोनों मल्टीप्लाई होगा, बेसिक सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट होगा, सो जो कैलकुलेट हुआ है वो वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले, कौन सा वैल्यू बेसिक सैलरी वैल्यू, जैसे भी एचआरए फॉर्मूला दिया है, एचआरए फॉर्मूला बेसिक सैलरी का ऊपर 10% है, क्लियर, सो एचआरए प्रिंट हो गया, एंड ट्रैवलिंग एलिमेंट्स का कितना दिया है 1% दिया है, तो ट्रैवलिंग पीए ओके प्रिंट हो जाएगा, एंड ग्रॉस सैलरी चाहिए, ग्रॉस सैलरी फॉर्मूला बेसिक सैलरी प्लस एचआरए प्लस पीए, तो ग्रॉस सैलरी प्रिंट हो गया, पीएफ कट करना है 5%, तो पीएफ तो कैलकुलेट हुआ, एंड ईएसए कैलकुलेट करना है 2%, तो ठीक है ईएसए तो प्रिंट हुआ, डिडक्शन पीएफ प्लस ईएसए, तो ठीक है देन डिडक्शन पे डिडक्शन, मतलब ये दोनों यहाँ पे डिस्प्ले होगा, देन इसके बाद में नेट सैलरी, ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन, डिडक्शन में क्या है पीएफ प्लस ईएसए दोनों माइनस हो जाएगा, तो नेट सैलरी फॉर्मूला डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा, दैट्स नेट एंड प्रॉफिट इन केस देन ऑल डेफिनेशन, तो क्लियर, F2 सेव कीजिए, ऑलरेडी सेव है ओके, देन कंट्रोल F9, तो डायरेक्टली प्रिंट हो जा रहा है ना, तो कोड देना है तो कोड दीजिए, देन नेम देना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल राजेश कुलकर्णी मैंने नेम दिया है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज 20 डेज, पर डे 100 रुपीज, तो कितना आना पड़ेगा बेसिक सैलरी, कितना आएगा 20 डेज इंटू 100 2000, तो डायरेक्टली रिमेनिंग ऑटोमेटिकली आना, क्योंकि हम फॉर्मूला यूज किया ना, फॉर्मूला यूज किए, ओनली इनपुट मेथड फोर कॉलम्स, ओनली फोर रोज, ओके नंबर देना पड़ेगा, नेम देना है, कितना दिन काम किया है, पर डे को कितना है, ज्यादा मत दीजिए एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि डिजिट्स अगर ज्यादा होगा तो डजंट एक्सेप्ट ओके, सो इस तरफ फिर भी दोनों को सेपरेट करने के लिए कॉलम्स यूज करना है, नहीं तो दोनों एड हो जाएगा ओके, यहाँ कॉलम नहीं रहेगा तो ई राजेश ऐसे हो जाए, इसीलिए दोनों को सेपरेट करने के लिए ये तो कंपल्सरी आप दीजिए, कुछ लोग तो नहीं दे रहा है, इसीलिए बस 2000, इसमें 10%, इसमें 8%, ओवरऑल 2360 रुपीज, इससे 140 रुपीज, सो 360 रुपीज में 140 रुपीज लेस हो जाएगा 2220 रुपीज, सो कैलकुलेशन ठीक तरह आ रहा है कि नहीं, आप थाउजेंड्स में मत दीजिए, आप तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे ओके, जैसे 50 रुपीज दीजिए तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एग्जैक्टली कैलकुलेट कर रहा है, आपको भी एक आइडिया रहेगा, क्लियर तो ओके देन एंटर, बस हो गया, वही तो प्रोजेक्ट है मास्टर क्रैक, सिनेमा क्रैक डाउनलोड अयिपोयिंदि, ఇది డౌన్లోడ్ అయిపోయింది, ఇది డౌన్లోడ్ అయిపోయింది, చూసి రండి.
नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोजेक्ट बस वही तो दिया है, राइट अकाउंट टू प्रिंट कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, ये भी ऑलरेडी एक्सेल में जितना किया है सारे फिर भी मैंने दिया है, वेरी सिंपल। ओके देन इंटीजर में प्रिंसिपल रेट टाइम सिंपल इंटरेस्ट टोटल अमाउंट एंड कैरेक्टर में एंड कस्टमर नेम, सेलर है सेलर, माइक्रो फाइनेंस प्रिंट होगा, जेके कोड प्रिंट होगा, लाइन भी प्रिंट होगा, देन कस्टमर नेम इनपुट करना है इसलिए यस दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट डी देना पड़ेगा, डी देना पड़ेगा क्योंकि अमाउंट ना, तो पी एंड रेट इनपुट करना है आर, टाइम इनपुट करना है टी एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला पीटीआर में 100, देन प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तो प्रिंट हो गया, देन इसके बाद में टोटल अमाउंट सी ए, टोटल अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, तो टोटल अमाउंट आपको डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा, सिंपल। माइक्रो फाइनेंस के लिए एक जो स्मॉल सॉफ्टवेयर हम डिजाइन किए थे, एक्चुअली यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा है तो एक्चुअली इस तरफ को डायरेक्टली कस्टमर को हम नहीं दे पाएंगे, कस्टमर को देने के टाइम पे ओनली सॉफ्टवेयर डिस्प्ले होना है, प्रोग्राम उनको डिस्प्ले नहीं होना है, और उसके लिए और एक तो है हाउ टू कन्वर्ट प्रोग्राम इनटू सॉफ्टवेयर में, उसको सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करके देना है, जैसे आप लोग लेके जा रहे हैं ना सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करके देने से लोग इनिशियल करने से ये प्रोजेक्ट आना है, मतलब प्रोजेक्ट डिस्प्ले नहीं होगा, ओनली आउटपुट डिस्प्ले होगा, समझ में रहे तो वो एंडिंग में रहते हैं, उसमें प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर में कैसे कन्वर्ट करना है, बार गेम वाले वाले प्रोग्राम कन्वर्ट हो बल्कि సాఫ్ట్వేర్ కనబడుతుంది అంటే వాళ్ళు ఓన్లీ ఎంట్రీ చేసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట, మీరు ఎలా తయారు చేశారనేది వాళ్ళు కనబడదు, ఇప్పుడు మన ప్రాజెక్ట్ ఎలా కనబడుతుంది ఇలా కనబడదు వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్, ఓన్లీ ఇది మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఇది మాత్రమే కనిపిస్తుంది, ఇది డిస్ప్లే హోగా సాఫ్ట్వేర్ ఉంటో ఈ ప్రోగ్రామింగ్ ఆఫ్ కేసే డిజైన్ కియా హే వో డిస్ప్లే నహీ హోగా, ఓకే ఎండింగ్ మే రహతే హౌ టు కన్వర్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఎండింగ్ మే రహతే, ఓకే కిరణ్ దెన్ 30 డేస్ దెన్ 100 రూపీస్ 10% and 8% directly hazard, directly hazard 2.2% directly after solve matter, then clear, so ये भी आप कर सकते हैं, then write a proof to print cash bill for hotel of Krishna, so hotel के लिए भी मैंने एक software design किया, very simple, hotel के लिए क्या चाहिए मुझे, integer, quantity, rate, amount, service tax and total, सारे numbers, then character, customer name, then I means item, okay, so हमसी कृष्ण होटल heading, cash bill heading, line heading, customer name input करना पड़ेगा, item item पे क्या लिखना है, anyone दोसा इडली बिरयानी whatever it may be, then in case बिरयानी बोलकर दिया है, quantity 5 plates, okay, so item क्या है बिरयानी, quantity 5 plates, rate each plate 200 rupees, तो आपको बिल कितना आना पड़ेगा 5 × 20 ईच प्लेट 200 रुपीस, क्वांटिटी 5 प्लेट्स, हाँ कितना 1000, सो अमाउंट में क्वांटिटी इंटू रेट, सो 5 × 200 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1000 रुपीस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, समझ में आ रहा है, तो सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स किसके ऊपर, अमाउंट के ऊपर, अमाउंट कितना है 1000 रुपीस आया था ना, 1000 का ऊपर 4%, दैट मींस 40 रुपीस समथिंग आ जाएगा, 1000 40 रुपीस आएगा, ओके 40 रुपीस यहां पे प्रिंट हो जाएगा, देन सो सर्विस टैक्स 40 रुपीस यहां पे प्रिंट हुआ एंड 1000 रुपीस यहां पे डिस्प्ले हो रहा है, नाउ टोटल अमाउंट सर्विस टैक्स 40 रुपीस प्लस 1000 रुपीस, सो डायरेक्टली 1040 रुपीस के ऊपर आपका बिल डिस्प्ले होगा, सिंपल करके दिखाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, क्लियर, होटल के लिए भी हम सॉफ्टवेयर बनाया था, राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट आवर्स इनटू मिनट्स एंड सेकंड्स, एक्चुअली हम आवर्स इनपुट करेंगे तो उसको मिनट्स में एंड सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, आपको किया है ऑलरेडी, हम डेट ऑफ बर्थ इनसेट करने से हाउ मेनी मंथ्स हाउ मेनी इयर्स हम तो फाइंड आउट किया ना, ओके इस तरफ द नेक्स्ट, ठीक है ये तो इजी यहां तक तो पता है, इंटीजर आवर एचआर मिनट एंड सेकेंड, सो प्रिंट एफ में एंटर एन आवर ये तो आप लिखने का जरूरत नहीं है, दिस इज द रॉक लाइन, सो एक्चुअल प्रोजेक्ट रहते हैं चेक करेंगे, ओपन आवर हैच आवर ओपन
आवर मिनट सेकेंड एंटर एन आवर, एन आवर ये आवर नहीं लिखना है, पता है क्यों नहीं लिखना है? पता है ना, ये आई वो यू ओवल साउंड, क्लियर? ओके, एन आवर एंड यहाँ पे टू दिया है एंड ये क्या है इस तरह, इन केस वन स्लैश दिए मैंने तो दिस इज द एरर, देखो कंपेयर कीजिए मस्ट एरर आएगा। तो यहाँ पे टू स्लैशेस यूज कीजिए, ये क्या होगा कमेंट आउट, मतलब जस्ट लाइक रफ लाइन, मैथ करने के टाइम पे साइड में एक रफ लाइन होगा। ओके वो क्या है रफ, वो कैलकुलेशन पे नहीं आएगा, ये भी ऐसे मतलब इन केस आप 2 आवर्स इनपुट करेगा तो सो रिजल्ट कैसे आएगा, ऐसे तो टू इनपुट किए तुझे रिजल्ट कैसे आएगा। मिनट्स का फॉर्मूला क्या है आवर इंटू 60, मतलब यहाँ 2 दिया ना आवर, सो एचआर थर्ड प्लेस में 2 दिया तो ये 2 कहाँ पे आएगा एचआर प्लेस में आएगा, 2 into 60 सो आपको डिस्प्ले होगा डबल स्लैश 2 into 60 equal to 120, दिस इज द आंसर। ऐसे मतलब ये यहाँ कैसे कैलकुलेट होगा मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, अगर ये तो रफ हो और इसमें 2 लाइंस यूज करना है कमेंट आउट लाइंस के, कमेंट आउट ओके मतलब आउट ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम को बिल्कुल अफेक्टेड नहीं होगा, वन स्लैश यूज करेगा तो एरर आएगा प्रोग्राम को अफेक्ट होगा, समझ में आ रहा है? तो डबल स्लैश देने से आउट ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को बिल्कुल लिंक नहीं है, के आपका मर्जी इसका मिडिल में आप जो कुछ लिखो उसको एरर नहीं आएगा, कुछ भी एरर नहीं आएगा, देखो एरर आ रहा है कैसे करेंगे बिल्कुल आउट ऑफ द प्रोजेक्ट, क्लियर ना? ओके नाउ सो सेकंड्स का फॉर्मूला आवर इनटू 60 इंटू 60 दैट मींस हमको आवर 2 दिया ना 2 इंटू 60 इंटू 60 कितना आएगा जल्दी बताइए, हाँ तंदर का जल्दी जोर से, हाँ हाँ 7200 7200 बस 7200। सो आप सोच रहे हैं आंसर इस तरफ आना है बिल्कुल वही ना, इनकेस 2 देने से तो ठीक है चेक करेंगे, सो एंटर एन आवर 2, सो हम जो कैलकुलेट किया है वही तो आ रहा है, सो ठीक है। नाउ इन केस इफ यू एंटर 3, हाँ बताइए 3 आवर्स इनपुट करेगा तो सो कितना आएगा, सो 2 आवर्स के लिए 120 ना, और 1 ऐड करो 180, सो मिनट्स यस सिंपल, सो ऑलरेडी 7200 है सो इस सिंगल के लिए 3600 ऐड करने से हो जाएगा ना 10800 आ रहा है, वेरी सिंपल क्लियर ना? ओके सो इस तरफ मतलब कैलकुलेटर अभी क्लॉक डिजिटल क्लॉक में कैलकुलेट हो रहा है, मतलब इस तरफ कैलकुलेट होगा क्योंकि सम एक्सेल में भी कैलकुलेट किया है। ओके अगर 10 इयर्स के लिए कितना मंथ है, 10 इयर्स के लिए कितना ईयर्स है, हम तो कैलकुलेट किया है ना, 250 आते थे और 150 आते थे, सब कुछ है इस तरह प्रोजेक्ट डिजाइन करने से हमको एक्सेल उस तरह पर आना होगा, क्लियर ना? लेकिन हमसे प्रोजेक्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ओनली आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है, तो कैलकुलेशन में अगर एरर है तो आउटपुट में भी एरर आएगा, क्लियर? ओके नाउ सिंपल बस सेम टू सेम ऐसा वाला प्रोजेक्ट और एक तो है, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। राइट ए प्रोग्राम टू ईयर्स, कन्वर्ट ईयर्स इनटू मंथ्स एंड डेज, सो आप यहाँ पे एंटर ए ईयर, आप ईयर देना पड़ेगा, ईयर का फॉर्मूला क्या है मुझे फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मंथ्स, मंथ्स का फॉर्मूला क्या है ईयर इंटू 12, इनकेस यहाँ 2 दिया है 2 ईयर प्लेस में आएगा है कि नहीं, तो 2 12 जा 24 डिस्प्ले होगा, तो डेज का फॉर्मूला सो ईयर 2 ईयर प्लेस में आएगा 2 into 365 तो ऑलमोस्ट अप्रोक्स एग्जैक्टली 730 बोल कर आ जाएगा, 730 डेज एंड 24 मंथ्स आप इनपुट किया है ईयर, क्लियर ना? इस तरफ आप 10 इयर्स इनपुट करने से 10 इयर्स का रिजल्ट आएगा, 10 इयर्स में कितना मंथ यहाँ डिस्प्ले होगा और 10 इयर्स में कितना डेज है यहाँ पर डिस्प्ले होगा, वेरी सिंपल
क्लियर ना। राइट ए प्रॉब्लम टू यूज एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, दैट मींस मैंने टू वैल्यूज इनपुट करना चाहता, मुझे फोर आंसर्स चाहिए। एंटर ए वैल्यू, एंटर बी वैल्यू, सी फॉर्मूला दिया है, एडिशन प्रिंट हुआ, माइनस फॉर्मेट दिया है, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई देन मल्टीप्लाई प्रिंट हुआ, डिवीजन एंड डिवीजन, फोर आंसर्स। टू वैल्यूज इनपुट करेगा तो फोर आंसर आएगा, क्लियर ना, एरिथमेटिक। सो यहाँ कुछ था, चेक करेंगे। दिस इज द केस स्टेटमेंट एक्चुअली, तो केस स्टेटमेंट से हम रिमूव करना है। ओके, सो सारे मुझे जरूरत नहीं है, मैं कुछ डिलीट करना चाहता हूँ। सो डिलीट करने के लिए ऑप्शन है क्लियर, ओके क्लियर हो गया। एंड ओके डिलीट देन डिलीट, ओके सी फॉर्मूला, सी फॉर्मूला प्रिंट, एडिशन माइनस फॉर्मूला प्रिंट, ओके देन मल्टीप्लाई फॉर्मूला प्रिंट, ओके देन डिवीजन फॉर्मूला, क्लियर। सो टू वैल्यूज देने पर आप क्या करो, एंटर ए एंड बी वैल्यू साइड बाय साइड, साइड बाय साइड अगर यूज करना है, टू परसेंटेज डी, टू वैल्यूज आप इनपुट कर रहा है ना, टू वैल्यू स्टोर करना है, साइड बाय साइड आप दे सकते हैं, साइड बाय साइड आप, मतलब यहाँ पे टू लाइन हम सेव किया है, लेकिन अपना प्रोजेक्ट में फोर लाइन आप इनपुट किया है, एंटर ए वैल्यू स्कैन अप, एंटर बी वैल्यू स्कैन अप, लेकिन मैंने यहाँ पे टू लाइन में कंप्लीट कर दिया, इस तरह भी लिख सकते प्लस फॉर्मूला प्रिंट, माइनस फॉर्मूला प्रिंट, मल्टीपल फॉर्मूला प्रिंट, डिवीजन फॉर्मूला प्रिंट। सो प्रोग्राम को रेडी, कंट्रोल F9। सो एंटर ए वैल्यू साइड में साइड देना है, जस्ट स्पेस देना पड़ेगा 20 स्पेस 30, क्लियर। सो मुझे फोर आंसर्स आएगा, एडिशन 50, सब्ट्रैक्शन 10, मल्टीप्लाई 600, डिवीजन 0, क्लियर ना। ओके सेम प्रोजेक्ट अलग मेथड में भी कर सकते हैं, देखिए सेम प्रोजेक्ट एंड डिफरेंट मेथड, मतलब यहाँ क्या हुआ, कैलकुलेशन प्रिंट है ना, टू लाइंस, वो भी सिंगल लाइन पे देना है। देखो ए वैल्यू 20 ऑलरेडी ए में एसएन किए, 10 को बी में एसएन किए थे, वेरी सिंपल, ये तो प्रिंट हो रहा है, इसका इनसाइड मैंने फॉर्मूला दिया है, मतलब दोनों भी एक लाइन पे आ रहा है, मतलब सम इंस्टीट्यूशंस में, सम कॉलेजेस में इसी मेथड में भी पढ़ाते हैं, तो ये मेथड तो कुछ भी न्यू नहीं है, मतलब ये तो क्या ढूंढेगा, सो वेरिएबल्स है कि नहीं, फॉर्मूला है कि नहीं, प्रिंट है कि नहीं, बस अब जैसे भी लिखो, ओके देखो फॉर्मूला प्रिंट, फॉर्मूला प्रिंट, फॉर्मूला प्रिंट, बस इसमें क्या हुआ, फॉर्मूला प्रिंट टू लाइंस पे है, लेकिन यहाँ पे सिंगल लाइन में है, रिजल्ट इज सेम, इसमें वैल्यूज इनसाइड इनपुट किया है, इसमें वैल्यूज आउटसाइड में दे रहा है, प्रोग्राम रन करने के टाइम पे दे रहा है यहाँ वैल्यू, इसमें क्या हुआ, प्रोग्राम का इनसाइड दिया है, मतलब ये तो वैल्यूज नहीं पूछेगा, एंटर ए वैल्यू बी वैल्यू बोलते नहीं पूछेगा, डायरेक्टली आप जो वैल्यूज दिया है इसका रिजल्ट आपको डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा, क्लियर ना, दैट्स इट, हो गया। इसके बाद में कंडीशनल स्टेटमेंट हम नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे। ऑलमोस्ट और 5 प्रोजेक्ट्स दिया है, 6 प्रोजेक्ट्स दिया है, 5 to 11 मतलब 7 प्रोजेक्ट्स दिया है, 7 प्रोजेक्ट्स आप क्लियर कर, क्लियर होने के बाद नेक्स्ट दीज आर डिफरेंट कंडीशनल स्टेटमेंट, पता है ना फॉक्स प्रो तो किया है, उसमें भी है ना कंडीशन, इफ एल्स नेक्स्ट डे को है ना, सेम टू सेम रहेगा, सिमिलर प्रोजेक्ट्स भी रहेगा, तो लेकिन उसमें लिखने का स्टाइल अलग है, इसमें लिखने का स्टाइल अलग है, क्लियर, बस इतना तक कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट टू ऑल टू